तो मैं आल पार्टी का नहीं बोल रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी का। हम लोग आपस में बात कर ले के हम हमारा कैंडिडेट को हम लगाएंगे। कोई मदद देने वाले है तो कोई इतराज तो नहीं करेगा ना। अगर आपको कहीं पैदल जा रहे कोई आपको लिफ्ट दिए तो नहीं लेते क्या? तो आप और जल्दी जा सकते हैं ना। जब मंजिल पहुंचना है, मंजिल को पहुंचने के लिए कोई आपको मदद देने के लिए, कोई लिफ्ट देने के लिए कोई आए तो हमेशा कोई ना कोई अपने को मदद देने के लिए आगे पड़े तो उसका मदद लेते ही लेते। मगर कांग्रेस पार्टी, ये चुनाव पहली बार नहीं है, ये आखिरी बार नहीं होते। कांग्रेस पार्टी ऐसे चुनाव को कितने बार देखे, कितने साल हम ये देश को चला है, एक चीज है। दूसरा, बाप बेटे, बाप एक नंबर आ तो बेटा 10 नंबर निकला। उन लोगों के बारे में मैं क्या कहूं, अगर कहना शुरू किए तो एक दिन तो भी लगता, फिर आपको खाना पीना सब छोड़ के यहाँ बैठ के सुनना पड़ता है। ऐसे चोर, एक नंबर चोर को, 10 नंबर चोर को अभी कुछ ज्यादा नहीं बोलेंगे, वहीं जो मैदान में जब जाएंगे ना तब वहीं पर बोलूंगा। हाँ, 65 डेज का प्रोग्राम लिए हम, विद्यार्थी निरुद्योग सैरन एक कार्यक्रम लिए। ये कार्यक्रम में सब पार्टी को मिला के पूरा 10 जिले में 4 करोड़ लोगों का ने हम जाएंगे। जो मुद्दे पे तेलंगाना बने वो मुद्दे को आगे ले जाने वाले हैं। ये बच्चों को नौकरी मिलना बोले तो केसीआर केटीआर का नौकरी निकालना। जब तक तेलंगाना के युवा केसीआर केटीआर नौकरी से बरतरफ नहीं किए तो तेलंगाना युवा को नौकरी नहीं मिलने वाले है। इसीलिए मेरा गुजारिश ये है कि तेलंगाना युवा से पहले केसीआर केटीआर को नौकरी से बरतरफ करो, आपका नौकरी मिलेगा। वो बरतरफ करने के लिए हम आगे रहेंगे। लागर लाठी चार्ज होगा, पहले लाठी हम कहेंगे। अगर कोई टूटा जलाने के रहा तो, कोई चलाए तो पहले हम लेंगे। हम आगे रहकर जैसा उस्मानिया यूनिवर्सिटी से विद्यार्थी जब तेलंगाना आंदोलन में शामिल हुए, अभी भी ये और एक आखिरी मौका मिले, ये आखिरी मौका में केसीआर को, केसीआर परिवार को तेलंगाना से हकाल देना, तभी ये युवा विद्यार्थी को नौकरी मिलेगा, अच्छा भविष्य रहेगा। धन्यवाद।